पास आउट हूँ और बेटी भेज सीएससीएस है, मोटरसाइकिल का देख अनुमान मत लगाना। आगे समझ में नहीं, देश की जीडीपी क्या जा रही है, देश की जीडीपी कहाँ जा रही है? 5-6 पे पहुँच गई जीडीपी। क्या जीडीपी? जीडीपी होती क्या है? अच्छा, अब तुम्हारे को यही बता, बताओ जीडीपी क्या होती है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। ये हालत है देश की। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी क्या होता है ये बताओ। अबे जीएसटी क्या कह रहा? अरे जीएसटी क्या होता है? जीएसटी टैक्स है भाई। क्या टैक्स है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड, जीएसटी क्या? बस यही हाल है, एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ बना रहा है, समझ रहे मेरी बात? कौन सी यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई? 25 सर, AKTU। अब नाम ही नहीं पता तो क्या डिस्कस करूं मैं आपसे? नहीं बताओ ना, AKTU का मतलब क्या है? बहुत बड़ी चीज है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। दिख रहा है जो जानते हैं, किसान नहीं आने जाता है। चले तो आपके लिए सब बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है हमारा देश। मोदी नहीं, आप तो ये सर मैं कुछ नहीं कह रहा। अरे ठीक है, कोई नहीं, आप इतना तो बता दीजिए कि इस सरकार में जो है क्या कुछ नया काम आप देख पा रहे हैं? आप तो युवा है, चलिए युवाओं से रिलेटेड ही बता दीजिए कि युवाओं के लिए क्या कुछ हो पा रहा है। सर कुछ नहीं हो रहा है, टोटली बेरोजगारी है, सब बेरोजगारी, बेरोजगारी है, बढ़िया वाली बेरोजगारी है। क्या बताए, यहाँ बैग ठाके घूम रहे हैं हम, बीटेक एमटेक करने के बाद ही हाल है हमारे। आपने क्या किया है? 8,000 रुपए 12,000 रुपए से लिए मिले। क्या पढ़ाई करी? बीटेक किया सर। बीटेक किया हुआ जी। तो बीटेक करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? और कहाँ करे, क्या करे बताइए, रोजगार है ही नहीं कंपनी में। अब ये मानिए, अभी 2 दिन पहले पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें लगभग ये मानिए 4,500 तो है जो एग्जाम पास ही करा रहे हैं। सीधी सी सेटिंग थी उनकी सर, अभी मेरे एग्जाम याद नहीं आ रहे, पता नहीं एग्जाम था कोई सर, उसमें सीधे सीधे बाउंसर निकले जो क्या नाम आपके एग्जाम लीक कराते हैं। आपने पढ़ाई में कितने लाख रुपए लगा दिए अब तक? लगभग सर स्टार्टिंग से सर बहुत ज्यादा लगी, लगभग 15-20 लाख के आसपास लग चुके हैं सर। 15 से 20 लाख और 15,000 रुपए की सैलरी मिली जिसमें कुछ नहीं मिलता, यहाँ रह गए 8,000 रुपए का तो आपका 6,000 में रूम मिलता है, बताइए क्या करें? चलेगा ना भैया, कोई भी सरकार रहेगा तो भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। तो ये सरकार तो कह रही है ना भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे? कोई सरकार नहीं कहेगा कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आपको ये सरकार कैसी लगी? रुकिए भैया मैं आ रहा हूँ। ये सरकार तो ठीक है, मगर ये जो प्रशासन सब है, मंत्री सब है, सब बेकार है, सब घुसखोर है। यहाँ का ग्रेड 12,000 है, मिलता है 8,000, ये किसका देन है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जैसे आप तो युवा, कितने युवाओं से आप बातचीत करते हैं जो बेरोजगारी से बेरोजगारी महसूस कर पा रहे हैं? सर मेरे बैच के क्या चीज, सरकार सही है, आम जनता खराब है। अच्छा, आम जनता खराब, आम जनता खराब। भाई बीटेक करके आए हैं, इन्होंने क्या गलत काम कर, गलत कर दिया ना, इन्होंने बीटेक काहे कर ली? अच्छा, बीटेक काहे कर ली? बीटेक नहीं करते ये ना, बीटेक नहीं करते ये, जाके पलवा डालते तब इनके लिए अच्छा था, तब इनके लिए अच्छा था। अब रोदनदारी करते, पलवा डाल के चलते, तब इनके लिए अच्छा था। इनने कोई गलत नहीं किया, इनने कोई गलत नहीं किया, इनकी गलती है कि इनने बीटेक करके गलती कर दी। अच्छा, मतलब पढ़ाई कर ले ये गलत है। गलत हो गया, इस सरकार में सबसे बड़ी गलती है कि सरकार ने ये पढ़ाई क्यों चलाई। अच्छा, इनका जवाब भैया देंगे, एक मिनट थोड़ा इधर आना। ये भाई है इधर, इधर ये बीटेक करके भाई आए हुए हैं, लगा दिया पढ़ाई में, लगा दिया भैया आपने? कौन सी यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई? 25 सर, AKTU। मतलब पूरा नाम बताओ। अब नाम ही नहीं पता तो क्या डिस्कस करूं मैं आपसे? नहीं बताओ ना, AKTU का मतलब क्या है? बहुत बड़ी चीज है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। दिख रहा है जो जानते हैं, जो एजुकेटेड है उनको पता है AKTU क्या चीज है, ठीक है? सुन लो 25 लाख रुपए लग गए आपके, हैं? ये हर एक मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें सारे कैंप, मतलब जो कैंपस में से मतलब प्लेसमेंट हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, सुनिए एक मेरी बात, आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे हैं, कभी ग्रेजुएशन कराया आपने? मेरा बेटा जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चेन्नई में पोस्टेड है, SRM यूनिवर्सिटी से किया है। पढ़ाई में लगता है खर्चा? कितना अच्छी बात है, जो भी मतलब कैसे भी लिया। आपको फेस करना है इंटरव्यू लेने वाले को, हमने ये किया है, तो एग्जाम नहीं मानते हैं भैया। ऐसा है कि मतलब जो है हर, मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितनी प्लेसमेंट ये जिस कंपनी ये यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं ना, वहाँ पे 90% मतलब जो प्लेसमेंट हो जाता है। वहाँ पे इंटरव्यू ऐसे लिया जाता है जैसे IAS का एग्जाम हो रहा हो, वहाँ पे ऐसे एग्जाम होता है जैसे IAS का। एक मिनट अरे भैया भाई एक मिनट थोड़ा सा। इन्होंने बोला 2019 में निकले रहेगा, प्लेसमेंट हुआ है 2019 में, ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा था, जहाँ पे 5 बंदे अलाउड नहीं हो सकते, ऐसी कौन सी कंपनी थी?
ऑनलाइन अस्थिना ऑनलाइन हुए हैं प्लेसमेंट कौन दुनिया आईटी सेक्टर में। जो आईटी वाले उनका तो हो गया ऑनलाइन, जो ऑफलाइन बैठे हैं जो और ब्रांचे हैं रिलेटिव तो उनका क्या होगा। अरे तो भैया कहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन बताइए कैसे। अरे भैया उससे मतलब आपने कब किया था पास आउट? 19वें करा था मैंने। 19वें किया था ना आपने कहीं मतलब जो है दो साल तक क्राउड बंद था सर पता है आपको भाई साहब। ऑनलाइन इतनी वैकेंसी निकली है ढेर कहां पे निकली है आपके लिए कर रहे हो ऑनलाइन निकली वैकेंसी ऑनलाइन निकली है वैकेंसी प्लेसमेंट बंद थे। आप अपना सुन रहे हो आप कॉलेज खुलवा रहे हो आप मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे दो चले देता हूं। चले मैं देखिए अलग अलग सबकी राय है अपना अपना सब ओपिनियन देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आपके दिल में क्या गुजर रहा होता है जब आप पढ़ाई करके आते और जॉब नहीं मिलते क्या कभी आपने अप्लाई? हाँ हम लोग आते हैं आप गलत नहीं कहा बंदा आईएएस करके आता वो पार्लियामेंट में जाके बेरोजगारी करता होता पलवा डालता होता तब तो सही था। ये आने जाने में जाए इसका 3 इंटरव्यू होंगे चौथे में इसको फेल कर दिया जाएगा। कमी कहाँ आ रही है? कमी कहाँ से आ रही है? सिस्टम से कमी आ रही है ना। जो बंदे जिनको पता नहीं आया इसके उसके बंदे का जो क्वालिफाई करके आया है वो काहे के लिए करके आया जो उसकी एजुकेशन है काहे के लिए है वो। अच्छा उसको ही नहीं पता कि वो क्या पढ़ हाँ, क्या पढ़ के आया। अच्छा इसलिए तो हाँ। बस यही हाल है एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ बना रहा है समझ रहे हैं मेरी बात। इनसे कुछ रीजन पूछ रहे इन्हें पता नहीं है ठीक है सर ठीक है जो इनसे पूछेगा इनको पता नहीं है। अब इनके साथ बहसबाजी करेंगे ना इनको सिर्फ काट करनी है कि ये हुआ तो क्यों हुआ ये हुआ तो क्यों हुआ कोई कोई चीज बात बताओ तो पूछे नहीं है। एमकॉम पास आउट हूं और बेटी मेरी सीएससीएस है मोटरसाइकिल का देख अनुमान मत लगा ना आगे समझ में नहीं। देश की जीडीपी क्या जा रही है? देश की जीडीपी कहां जा रही है? 5-6 पे पहुंच गई जीडीपी। क्या जीडीपी? जीडीपी होती क्या है? अच्छा अब तुम्हारे को यही पता बताओ जीडीपी क्या होती है? ग्रोथ होती है ग्रोथ होता है क्या होता है ग्रोथ होता है डेवलपमेंट होता है ये हालत है देश की। जीएसटी क्या होता है? छोड़िए जीएसटी क्या होता है बता बताओ। अबे जीएसटी क्या कह रहा? अरे जीएसटी क्या होता है? जीएसटी टैक्स है भाई। क्या टैक्स है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए ये युवाओं का हाल है। चलिए कोई बात नहीं ठीक है। चलिए देखिए युवा है बुरा नहीं मानना कोई बात नहीं ठीक है। देखिए लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे महंगाई को लेकर के अभी थोड़ा आता हूँ। हाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे महंगाई को लेकर के थोड़ा सा जो है अनबन सी हो जाती है खैर कोई बात नहीं। लेकिन अलग अलग सबकी राय है लोग हैं कुछ तो कहेंगे ही। लेकिन लोगों से हम लोग बातचीत करते करते हमने ये जानने की कोशिश करके महंगाई जब बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ने के पीछे की क्या वजह है? हालांकि काफ़ी लोग जो है बेरोजगार भी है युवा है वो बार बार ये कह रहे हैं कि पढ़ाई तो कर ली लेकिन जो उनको नौकरी चाहिए था जॉब चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर भी हमारी है। तमाम तरीके की लोगों की राय रही आपके मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। फिलहाल दीजिए इजाजत देखते हैं धन्यवाद।